दोस्तों, आपने सबसे महंगा खाना कितने का खाया है? नहीं, हम बाजारों में बिकने वाले समोसों की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम एवरेज देखें तो एक आम आदमी 500 से 5000 में शानदार और भरपेट खाना खा सकता है, लेकिन क्या आप किसी मछली के अंडे खाने के लिए 1,00,000 रुपए देंगे? बेशक आपका जवाब नहीं ही होगा, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो इन अजीबोगरीब फूड्स के लिए लाखों उड़ाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के टॉप 5 मोस्ट एक्सपेंसिव फूड्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। कैवियर इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर है एक खास मछली के अंडे का, जिसकी कीमत सुनकर आप हैरान हो सकते हैं। 1 औंस यानी कि 30 ग्राम अंडों की कीमत 3.5 से 5 हजार रुपए से भी ज्यादा होती है। दुनिया में लाखों की कीमत में बिकने वाले अंडों को कैवियर नाम से जाना जाता है। कैवियर अंडों से बनने वाले स्वादिष्ट भोजन को शाही पकवान कहा जाता है, क्योंकि ये पहले और भी ज्यादा महंगे हुआ करते थे। रोमन बादशाहों, प्राचीन यूनानी राजाओं और रूस के जारों के जमाने में ये बेहद खास था और शाही पकवानों में शामिल रहा है। स्टर्जियन नाम की समुद्री मछली की प्रजाति से ये अंडे मिलते हैं। इस मछली की कुछ प्रजातियां होती हैं और इन्हीं के बेसिस पर रॉयल कैवियर, इंपीरियल कलुगा कैवियर जैसे ब्रांड्स के तहत इन्हें बेचा भी जाता है। समुद्री सीमा से लगे रिच कंट्रीज का पकवान रहे कैवियर अंडे पिछले कुछ समय से भारत में भी अवेलेबल हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टर्जियन मछली के ये अंडे फर्टिलाइज नहीं होते, यानी किसी जीव को जन्म नहीं देते, और इन्हें नमक, खुले पानी या फिर केमिकल के साथ पाला जाता है। स्टर्जियन मछली की प्रजातियों पर जब एग्जिस्टेंस का संकट गहराया तो 1921 से ही इसे विलुप्त हो रही प्रजाति मानकर इसका संरक्षण किया जाने लगा। तब से इन अंडों की कीमतों में और उछाल आना शुरू हो गया है। दोस्तों, जिन देशों में स्पोर्ट्स फिशिंग लीगल है वहाँ भी इन मछलियों को प्रोटेक्शन दिया जाता है, ताकि इनका शिकार ना हो, इसके लिए तमाम बंदोबस्त किए जाते हैं। वैसे भी शिकार की गई मछली से फुल ग्रोन अंडे मिलना मुश्किल ही होता है। 2006 में यूएन के एजेंसी ने एक ऑर्डर जारी कर वाइल्ड स्टर्जियन मछली के अंडों के बिजनेस को लिमिटेड कर दिया था। पिछले करीब 20 सालों में अमेरिका में कैवियर के प्रोडक्शन में काफी बढ़ोतरी हुई और 75,000 पाउंड सालाना तक प्रोडक्शन भी हुआ, जो पहले 5,000 पाउंड ही होता था। इसकी वजह एक्वा फार्मिंग टेक्निक्स रही हैं, जिसके चलते इन अंडों की कीमतें भी काफी कम हुई हैं और अब ये अंडे सिर्फ शाही वर्ग के लिए नहीं रह गए हैं। इन अंडों की क्या खासियत है, आइए जरा ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, ये अंडे शराब की तरह माने जाते हैं, क्योंकि ये जितने ज्यादा वक्त से स्टोर हों उतने ही स्वादिष्ट और ज्यादा गुण वाले होते हैं। इसी वजह से इनकी कीमतें भी बढ़ती हैं। इन अंडों में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर होता है, इसलिए इससे डिप्रेशन और कई सारे डिसऑर्डर में भी फायदा मिलता है। ये भी माना जाता है कि कैवियर में वायग्रा जैसे गुण होते हैं। पुराने जमाने में मर्दानगी के लिए इसका इस्तेमाल किए जाने का लिटरेचर मिलता था। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन अगर ईरान की बेलुगा स्टर्जियन मछली के अल्मास कैवियर को 60 से 100 साल तक सिक्योर किया गया था तो इसकी कीमत 24,23,000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा थी। मात्सुताके मशरूम। दोस्तों, जापान को दुनिया के सबसे महंगे फल, सब्जी और ग्रेन प्रोड्यूसिंग कंट्री के तौर पर जाना जाता है। यहाँ दुनिया का सबसे रेयर मात्सुताके मशरूम भी पाया जाता है, जो अपनी खुशबू के लिए बहुत मशहूर है। भूरे रंग का यह मशरूम बेहद स्वादिष्ट होता है। इसकी कीमत आप जानकर हैरान हो जाएंगे। ये इंटरनेशनल मार्केट में 3 लाख से 5 लाख तक का बिकता है, क्योंकि ये मशरूम की एक रेयर ब्रीड है जिसका स्वाद मीठा होने के साथ साथ मसालेदार भी होता है। इस मशरूम को उगाना कोई आसान काम नहीं है और यही वजह है कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। मात्सुताके मशरूम को साल में सिर्फ एक बार काटा जाता है। मात्सुताके मशरूम अब और भी महंगे हो गए हैं, क्योंकि अब वो विलुप्त होने के कगार पर हैं। ये ज्यादातर चीन, फिनलैंड, कनाडा, जापान, स्वीडन और कोरिया जैसे देशों में उसे उगाया और खाया जाता है। ये मशरूम आम आदमी की पहुंच से काफी दूर है। कॉफी लुवाक। आज दुनिया में दोस्तों कॉफी लवर्स की कमी नहीं है। एक कप कॉफी के लिए लोग कई हजार रुपए तक खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर दुनिया की सबसे महंगी कॉफी की बात करें तो वो कॉफी लुवाक है। जी हाँ, जिसकी कीमत 7,000 रुपए पर कप है। ये कॉफी सीवेट नामक जानवर के मल से तैयार की जाती है। ये सुनकर आप में से ज्यादातर लोगों का मुंह बन गया होगा, ये कॉफी तो मैं फ्री में भी ना पीऊं। लेकिन इस कॉफी को खास यही बनाती है कि इसे सीवेट बिल्ली जैसे पशु की पॉटी से, इसलिए इसे सीवेट कॉफी भी कहते हैं। ये बिल्ली की प्रजाति है दोस्तों, लेकिन कमाल की बात है कि इसके पूंछ बंदर की तरह लंबी होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इकोसिस्टम बनाए रखने में सीवेट का काफी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है। सीवेट बिल्ली कॉफी बीन्स को खाने की शौकीन होती है। ये कॉफी की चेरी को अधकच्चा ही खा लेती है। ऐसे में चेरी का गूदा तो पच जाता है, लेकिन बिल्लियां उसके बीज को पचा नहीं पाती है, क्योंकि इसके लिए उनकी आंतों में उस तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते हैं। ऐसे में बिल्ली के मल के साथ कॉफी के बीज भी निकल जाते हैं। बता दें कि इसके बाद मल से बचे हुए हिस्से को शुद्ध किया जाता है। उसे सभी तरह के जर्म से फ्री करने के बाद आगे का प्रोसेस होता है। इस दौरान बीन्स को धोकर भुना जाता है और फिर कॉफी तैयार की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि बीन्स को बिल्ली के मल
से ही लेने की क्या जरूरत है। दोस्तों दरअसल बिल्ली के शरीर में आंतों के गुजरने के बाद कई तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलकर इसे बहुत बेहतर बना देते हैं। इसकी न्यूट्रिशन भी कई गुना बढ़ जाती है। बिल्ली की आंतों से गुजरने के बाद इन बीन्स में पाए जाने वाले प्रोटीन के स्ट्रक्चर में बदलाव हो जाता है। इससे कॉफी की एसिडिटी निकल जाती है और ज्यादा शानदार और स्मूथ ड्रिंक तैयार होती है। सीविट कॉफी को गल्फ कंट्रीज, अमेरिका और यूरोप में काफी शौक से पिया जाता है। इसकी कीमत की वजह से इसे अमीरों की कॉफी कहा जाता है। ब्लैक वाटरमेलन। दोस्तों गर्मी आते ही सबसे पहले दो फलों के नाम सहन में जरूर आते हैं, एक आम और दूसरा तरबूज। तरबूज की एक वैरायटी ऐसी भी है जिसे दुनिया की महंगी किस्म कहा जाता है। इसे ब्लैक वाटरमेलन या डेंसु वाटरमेलन के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया का ये सबसे महंगा तरबूज जापान में पाया जाता है। लेकिन ऐसा क्या खास है इस तरबूज में जो ये सबसे कीमती फलों की लिस्ट में आ रहा है? तो आपको बता दें, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट और मीठा होता है। इसके बाहरी हिस्से का रंग काला होने के कारण इसका नाम काला तरबूज पड़ा। ये दूसरे तरबूज से कितना अलग है इसे ऐसे आप समझ सकते हैं कि इसे बाजार में आम तरबूज की तरह नहीं बेचा जाता। इस खास जापानी तरबूज के लिए बकायदा बोली लगती है, इसलिए इसकी गिनती दुनिया के सबसे महंगे तरबूजों में होती है। साल 2019 में एक काले तरबूज को 4.5 लाख रुपए में बेचा गया था। 14 नंबर पर हैं व्हाइट ट्रफल्स। जी हाँ दोस्तों, अक्सर लोग ट्रफल्स और मशरूम को एक जैसी चीज ही समझते हैं, लेकिन टेक्निकली दोनों अलग अलग प्रजातियां हैं। जहाँ मशरूम जमीन के ऊपर उगते हैं, वहीं ट्रफल्स जमीन के नीचे उगते हैं। व्हाइट ट्रफल्स प्रोडक्शन के लिए इटली पूरी दुनिया में फेमस है। दोस्तों ट्रफल्स एक किस्म का कवक या फंगी है जो जमीन के कुछ इंच नीचे उगता है। ये सख्त लकड़ियों वाले पेड़ जैसे कि ओक, हेजलनट या चेस्टनट के जड़ों पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उगते हैं। बता दें कि सभी किस्म के ट्रफल बेहद महंगे होते हैं। हालांकि व्हाइट ट्रफल्स एक खास किस्म की रेसिपी है जिसका फ्लेवर और स्वाद खाने पीने के शौकीन भुला नहीं पाते। ये हल्के गोल्डन रंग के होते हैं, ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में उगते हैं और इनका बड़ा साइज में मिलना बहुत रेयर होता है और इनकी कीमत 2 से 3 लाख रुपए किलो होती है। व्हाइट ट्रफल्स इतने महंगे क्यों हैं ये भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इटली के उत्तर पश्चिमी पीडमोंट इलाके को व्हाइट ट्रफल्स के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। दिलचस्प है कि ये सिर्फ इटली के कुछ हिस्सों और सेंट्रल यूरोप में ही उगते हैं। स्वाद और सुगंध में ये फैबुलस होते हैं। इनका साइज 2 से 8 इंच तक का होता है और ये पेड़ों की जड़ों पर उगते हैं। इनको ढूंढने का तरीका भी बेहद नायाब है। तैयार होने के बाद कुछ देर तक इनमें से एक खास गंध निकलती है। इसी दौरान ट्रेन डॉग्स की मदद से एक्सपीरियंस लोग इन ट्रफल्स को जमीन से खुद निकालते हैं। बता दें कि इतना खास है कि इसके लिए पीडमोंट के छोटे से कस्बे में हिस्टोरिक इंटरनेशनल अल्बा व्हाइट ट्रफल फेयर ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें हर साल 1 लाख के करीब लोग पहुंचते हैं। यहां लोग इसे बेहद महंगी खाने की चीज को बेचने, खरीदने और उसका जायका लेने के लिए आते हैं। बता दें कि व्हाइट ट्रफल्स ब्लैक वाले के मुकाबले बेहद दुर्लभ होते हैं, इसलिए ये महंगे भी होते हैं। मूस चीज। दोस्तों चीज हमेशा सबसे महंगी डेयरी प्रोडक्ट रहा है और मूस जो कि हिरन की प्रजाति में सबसे बड़ा जानवर है, उसके मिल्क से बना ये मूस चीज दुनिया की सबसे महंगी चीज है। मूस चीज प्रोसेस चीज है जो सिर्फ स्वीडन में पाया जाता है। ये लगभग 1,000 अमेरिकी डॉलर पर किलोग्राम यानी 8 लाख रुपए के हिसाब से बिकता है। मूस का दूध लेना कोई आसान काम नहीं है दोस्तों, जिसके कारण ये चीज इतना महंगा है। दो बहनों के चलाए जा रहे एल्क हाउस फार्म इसका सबसे बड़ा और मेन प्रोड्यूसर है। ये पनीर स्वीडन के मूस हाउस के फार्म में मिलता है, जिसे दुनिया की सबसे महंगी फूड लिस्ट में गिना जाता है। ये चीज मई से सितंबर तक मूस के प्रोड्यूस्ड 5 लीटर दूध से तैयार किया जाता है। फार्म हर साल 300 किलोग्राम पनीर ही बेच सकता है। तो दोस्तों अगर आपको इनमें से कोई सबसे महंगा खाना खाने का मौका मिले तो आप कौन सा फूड खाएंगे, हमें अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें।